है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनाल खान। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मैनपुरी हत्या में आरोपी बनाने की वजह से सही तरीके से जांच और न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पिछले दिनों इटावा में हुई एक हत्या, जिसके बाद सरिता के पुत्र को हत्या का मुख्य आरोपी बना दिया है, जिसके बाद आरोपी की मां ने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजा है और मांग की है कि इसमें उचित जांच कराकर कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरा पुत्र अगर इस घटना में शामिल है तो वे चीज की भी जांच करा ली जाए। वहीं आरोपी के जीजा ने बताया है कि पिछली 20 तारीख को हम अपने काले की जांच कराने मैनपुरी आरएस पैथोलॉजी सेंटर पर गए थे और जिस दिन इटावा में ये घटना हुई है उस दिन मेरा साला मेरे साथ मैनपुरी में था। वहीं आरोपी के जीजा ने सीडीआर और इसकी लोकेशन की जांच की बात की है और कार्रवाई की मांग की है। उस दिन घटना से हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। हम मैनपुरी में थे और जांच करवा रहे थे। घटना के समय आरएस मॉडर्न वो पैथोलॉजी है, वहाँ पे हम अपनी जांच करवा रहे थे। वहाँ पे पास में लगे वीडियो वो सीसीटीवी में हम कैद हैं, फोटो वगैरह प्रशासन चाहे तो निकलवा ले और हम लोग निर्दोष हैं और दोषी हों तो कार्रवाई करें। आपको जबरदस्ती फंसाया? हाँ जी। आप जांच कराने आए थे, अकेले आए थे या साथ में? ना, हमारा साला भी साथ में था। क्या नाम था साले का? बंटू। तो बंटू को भी साथ भी एफआईआर वगैरह? हाँ, बंटू के ही नाम एफआईआर है, उसे निर्दोष फंसाया जा रहा है।